मैं आज भी दो स्टॉक्स दूंगा जो कल आप ट्रेड करेंगे 20 जुलाई को। तो पहला स्टॉक्स है रिलायंस और दूसरा स्टॉक्स है लार्सन एंड टुब्रो। तो उससे पहले मैंने कल भी दो स्टॉक्स दिया था, मैंने बताया था आप लेवल्स के अकॉर्डिंग बाय या सेल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 32 रुपीज अप है, मैंने बताया था लेवल्स के ऊपर जाने पे आप बाय करेंगे। और दूसरा जो है वो साइडवेज रही तो आपका स्टॉप लॉस ही 2 होंगे। तो उससे पहले हम लोग वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, और फिर रिलायंस और लार्सन टर्बो को हम लोग ये एनालिसिस करेंगे उसकी। तो ये आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स है वो 154 पॉइंट्स अप है और नेस्डेक जो है वो 85 पॉइंट्स अप है। तो वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है और निफ्टी जो है वो आज भी ऑल टाइम हाई लगाया है, और निफ्टी जो फिलहाल 93 पॉइंट्स गैप अप शो कर रही है। तो कल मैक्सिमम चांसेस है ये गैप अप खुलेगी और लाइफ टाइम हाई, आज भी निफ्टी क्लोजिंग हुई निफ्टी की लाइफ टाइम हाई पे। तो हम लोग स्टॉक्स पे आते हैं जो रिलायंस और वो है, उसमें कल क्या करेंगे आप, तो हम लोग इन दोनों के एनालिसिस कर लेते हैं। ये रिलायंस रही और रिलायंस जो है ये आप देख सकते हैं ये सपोर्ट पे है, जिसकी इसकी ये रेजिस्टेंस पे है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है मैं एक प्राइस मार्क कर दे रहा हूँ, इसकी जो रेजिस्टेंस है प्राइस लेवल्स मैं दे दे रहा हूँ ये 2856 है। और इधर आप देखिए ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है बिहेव कैसे करती है, आई मीन काम कैसे करती है। तो ये आप देखिए ये सपोर्ट की जैसे बिहेव करे, यहाँ मार्केट आई और ये यहाँ तक जा रही है। अब मैं बस पीछे वाला डेटा को देखना है, ये देखिए ये इसने 2856 पे गई और यहाँ से एक फॉल आ गई, ये देखिए यहाँ आई इसने और एक अपसाइड की मोमेंटम ट्रिगर कर दिया। तो सपोर्ट जो है वो उस पर हमेशा बाइंग होती है और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलिंग होती है। तो ये मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ उसे। तो ये आप देखिए ये जो है रेजिस्टेंस पे यहाँ से एक सेलिंग आई है, शार्प सेलिंग आई है, और ये तो कल जो है मैक्सिमम चांस है ये इसमें सेलिंग आएगी। यदि रिलायंस 2856 के ऊपर सस्टेन करती है 15 मिनट के एक भी ग्रीन कैंडल्स, तो आप रिलायंस को बाई करेंगे, या नहीं तो इसके नीचे रहती है तो आप इसे सेल करेंगे और सेलिंग आ सकती है। मैक्सिमम चांसेस है ये रेजिस्टेंस पे, तो एक सेलिंग कल रिलायंस में आएगी। और यदि इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है 15 मिनट के कैंडल्स, तो आप इसे बाई करेंगे। दूसरा स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो, ये देखिए ये जो है इसकी रेजिस्टेंस है 2500, और यदि ये 2500 के ऊपर सस्टेन करते हैं 15 मिनट की कैंडल, तो आप इसे बाय करेंगे या नहीं तो फिर इसे सेल करेंगे। ये स्टॉप लॉस ये वो ये जो रेजिस्टेंस है 10 to 15 रुपीज का आप स्टॉप लॉस देंगे। लेवल्स ब्रीच करके लेवल्स यदि ऊपर निकलती है तो आप इसे बाय करेंगे और 10 to 15 रुपीज का स्टॉप लॉस देंगे। तो मैं यहाँ भी एक प्राइस दे रहा हूँ प्राइस लेवल्स। तो ये जैसे ही 2500 के ऊपर निकलती है तो आप इसे बाई करेंगे, और 2500 के नीचे एक भी रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग होती है मार्केट खुलते ही, रिलायंस मार्केट खुलते ही एक भी 15 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल्स, इस लाइन के नीचे रेड कैंडल्स बनती है तो आप इसे सेल करेंगे, इसके ऊपर बनती है तो आप इसे बाई करेंगे। और इसे भी सेम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें भी यही है, और 10 to 15 रुपीज का स्टॉप लॉस देना, और टारगेट जो है वो आपका 50 to 60 रुपीज की होगी। थैंक यू।